आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रयागराज निरंतर प्रगति पर है। दारागंज की रहने वाली छात्रा रेशमा ने चाय और ब्रेकफास्ट का नया स्टार्टअप शुरू करके इसका सार्थक उदाहरण प्रस्तुत किया है। खास बात यह है कि उनके पिता सरकारी सेवा में हैं और रेशमा स्वयं ग्रेजुएशन की छात्रा हैं। रेशमा ने बताया कि कई वर्षों से मेरे दिमाग में कुछ नया रचने बसने की योजना बन रही थी। इसके साथ मुझे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होना था। इसी को ध्यान में रखते हुए चाय का नया बिजनेस शुरू किया। स्टॉल को संचालित हुए लगभग 20 दिन हो चुके हैं। 50 से ज्यादा ग्राहक प्रतिदिन के बन चुके हैं। मुझे खुशी है कि मेरा फैसला बिल्कुल सही है। स्वयं पर गर्वान्वित हूँ। 20 दिन क्या सामाजिक संदेश क्या जाता है आपका? सब समाज क्या सबको खुशी रहना चाहिए, उनका काम करना चाहिए। हाँ, मैंने खुद के लिए किया है, लोगों को खुद से भी करना चाहिए। सरकार की भरोसे नहीं बढ़ना चाहिए, कोई भी सरकार किसी को खुशी नहीं देती है। किसी को इतने सारे लोग वैकेंसी कितने निकलते हैं आप बताइए। योजना के बारे में बताइए। बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलना है अपने नाम से, 1.5 सालों के अंदर। अच्छा, मेरे पापा को नहीं पता, जिस दिन उनको पता चल जाएगा वो खुद खुलवाएंगे। अभी आपके पिताजी को नहीं पता कि आपने दुकान खोला है? उनको नहीं पता, उनको जानकारी नहीं है। आप इतना समय यहाँ पे देती हैं तो अगल बगल वाले या फिर आपके दोस्त? पापा मेरे ना एक्चुअली मैं गवर्नमेंट सर्विस में और उस टाइम गाँव की पोस्टिंग है, तो गाँव में रहता है। कहाँ पोस्टिंग है? क्या करते हैं पिताजी? जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होने के कारण अपना जो है जब मैं कुछ स्वनिर्भर होना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर की मिसाल पेश करना चाहती हूँ। हम लोग की एक जो धारणा चली आ रही है कि पुरुष ही अच्छा कर सकते हैं या कुछ भी किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। समाज में समय के साथ बदलाव हो रहा है, लोग महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कोई किसी फील्ड में नहीं, वो किसी भी, आजकल तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि महिलाएँ खोल रही हैं। आप पटना वाला भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वहाँ पर भी वो लेडी खोली थी, तो उसको मतलब कि जनता द्वारा मतलब सपोर्ट किया जा रहा है, चाहे वो लड़कियाँ हो चाहे लड़के हो, वो उसको हर फील्ड से सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसी सभी लड़कियों को आगे आना चाहिए, जिनके यहाँ प्रॉब्लम है इसलिए नहीं, उनको अपने लिए कुछ करके दिखाना चाहिए कि हाँ हम भी कर सकते हैं, हम भी अपने वर्चस्व को स्थापित कर सकते हैं पूरे समाज के समाज। और हम एक मैसेज दे सकते हैं कि लड़कियाँ ऐसा नहीं कि एक दूसरे पर डिपेंड ही रह सकती हैं, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। और ये जो थिंकिंग चली आ रही थी पहले कि लोग क्या कहेंगे क्या समझेंगे, उसमें बदलाव आ रहा है, समय के साथ लोग बदल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि लड़कियों को आगे आना चाहिए, ये नहीं कि उनके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो ही आए, वो वैसे भी आगे आ सकती हैं। वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए वो आ सकती हैं आगे। मेरा मानना है कि लोगों को आना ही चाहिए, और क्या, और ऐसी लड़कियों को सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि सबके यहाँ कि सब लोग एक मतलब बैकग्राउंड अच्छा हो। कुछ लोग मैंने देखा कि स्टूडेंट लाइफ में वो अपना स्टडी भी कम्प्लीट कर रही हैं, वो अपने घर को सपोर्ट भी कर रही हैं और उसके लिए टाइम भी निकाल रही हैं। ऐसा नहीं कि अपनी पढ़ाई को इसी से करके ये सब काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि करना चाहिए और लोगों को मोटिवेट होना चाहिए इन सब चीज़ों से।